मनोज तिवारी की दो शादी है मनोज तिवारी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है मनोज तिवारी एक नचनिया है बजनिया है तीसरा बच्चा होने जा रहा है इनके इनके। अगर ये नरेंद्र मोदी को मानने वाले होते दिल से तो इनके तीन बच्चे नहीं होते इनका पैंट से लेकर के ये ये कंडोम की बात करते हैं रात दिन उसमें मुबतला है ये इनका खुद का करेक्टर पूरे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये नचनिया है बजनिया है मनोज तिवारी नाचने का काम करते हैं गाने का काम करते है हाँ मोहन भागवत को खुश करने का काम करते हैं इनका ये पैसा नहीं तो मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है अगर इनको मोदी की से मतलब होता था मोदी की बात को मानते इनके तीन बच्चे नहीं होते मुबारकबाद नहीं दीजिएगा किनको मुबारकबाद पढ़ने वाले अरे तो इनको तो हम कभी मुबारकबाद दे सकते ये मनोज तिवारी बिहार के नाम को इन्होंने बदनाम कर दिया इंसानियत के नाम पर यह धब्बा है दाग है अंचल के नाम कहां से कहां जियौ बिहार के लाला गाना गाते रहते। नहीं 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 ये नचनिया बजनिया मनोज तिवारी को बिहार के लोग नहीं मान रहे बिल्कुल नहीं माने इनका अपना करेक्टर दागदार हो चुका है बड़ी ही फेमस एक नेता है भाजपा के नाम है मनोज तिवारी लगातार अपने बातों को लेकर के विवाद में रहते हैं अलग-अलग तरीका टिप्पणी देते रहते हैं और खास करके जलबसंख्यक और जनसंख्या पर बात आती है तो पूरा भाजपा लग जाता है कि अल्पसंख्यक जो है देश के अंदर आबादी बढ़ा रहे हैं इनकी वजह से संसाधन हमारी सीमित है और आने वाले समय में खतरा होगा लेकिन आज जो खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि इक्यावन साल की उम्र में मनोज तिवारी तीसरे बच्चे के बाप बने जा रहे हैं अब ये हैरत वाली बात तो है नहीं क्योंकि और लोगों की तीन चार पाँच दस बच्चे पैदा होते हैं तो इस पर बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरी की पूरी भाजपा जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दिन रात चिलती रहती है सदन में सड़क पर अब किनके कितने बच्चे हैं कोई बताता नहीं है लेकिन जनसंख्या को लेकर के लगातार ऐसी बयानियाते रहती है एक खबर है देखिए उत्तर प्रदेश से खबर है कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ गया आने वाला है और उसमें एक बच्चा होगा तो फायदा होगा और दो से अधिक होंगे तो सजा होगा यूपी में ये कानून बनने जा रहा है और मोहन भागवत कहते हैं कि दो बच्चे से अधिक बच्चा पैदा करो कोई कानून नहीं रोकता है दो तरीके की बात आती है आर एस एस कहता है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करो बीजेपी कहती है कि दो बच्चा पैदा करो और मनोज तिवारी किसको मानते हैं मोहन भागवत को मानते हैं या नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ को मानते हैं हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के नेता बिहार प्रदेश से सेक्रेटरी से हैं अब्दुल बाकी साहब दो बच्चे अच्छे हैं लेकिन दूसरे के अपने नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप नचनिया की बजनिया की जिसका कोई करेक्टर नहीं हो मनोज तिवारी को पूरा हिंदुस्तान जान रहा है सियासत आसान नहीं है पॉलिटिक्स आसान नहीं है ये नचनिया है ये बजनिया है इनका कोई करेक्टर नहीं है ये। है दिल्ली के अरे भाई सांसद ने नचरिया है बजनिया है बीजेपी में ऐसे ही लोगों को जिन्होंने बीजेपी में रात दिन दलाली की है नाचने का काम किया है बजाने का काम किया है उसके अवार्ड में इनको टिकट मिला पूरा हिंदुस्तान जान रहा है मनोज तिवारी के कलेक्टर को जिन्होंने इक्यावन साल की उम्र में शादी की गलत चीज थोड़ी ना है संस्कृति उन्होंने एक शादी नहीं दो दो शादी किया है मनोज तिवारी की दो शादी है मनोज तिवारी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है मनोज तिवारी एक नचनिया है बजनिया है सियासत अगर आसान होता तो ये आज नेता होते किसके मानने वाले हैं मनोज तिवारी मनोज तिवारी को यह तय करना होगा इनको जानना होगा कि बीजेपी में किस तरीके से लाल कृष्ण अडवाणी को इन लोगों ने किस तरीके से संट कर दिया ये मोहन भागवत के मानने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी के मानने वाले हैं जिस देश का प्रधानमंत्री मन... नहीं मानते हैं मनोज तिवारी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल नहीं मानते हैं नरेंद्र मोदी के बयान से अगर इनको फेवर में होते ये मोहन भागवत के मानने वाले हैं इनके अपने खुद के तीन तीन बच्चे हैं चौथा बच्चा होने जा रहा है इन बच्चे तीसरा बच्चा होने तीसरा बच्चा होने जा रहा है इनके इनके अगर ये नरेंद्र मोदी को मानने वाले होते दिल से तो इनके तीन बच्चे नहीं होते इनका पैंट से लेकर के ये ये कंडोम की बात करते हैं रात दिन उसमें मुबतला है ये इनका खुद का करेक्टर पूरे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये नचनिया है बजनिया है बिहार में तो वोट जो चुनाव लड़ने का अधिकार है दो बच्चों से अधिक नगर निकाय में छीन लिया गया है तो अब आप क्या मांग करेंगे कि मनोज तिवारी के तीन बच्चे हो गए भाजपा को उनके साथ क्या करना चाहिए भाजपा को उनको अविलंब पार्टी से निकालना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को अगर ये मोदी जी को मानने वाले लोग हैं ऐसे तो बीजेपी बीजेपी को पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि सिर्फ इनके पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है ये लोगों को ठगते हैं पूरा हिंदुस्तान रो रहा है युवा रो रहा है महिला रो रही है अकलियत रो रहे हैं किसान रो रहा है लोग देख रहे हैं 2024 में आने वाला 24 में नीतीश कुमार इनको किस तरीके से चित करेंगे पूरा पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाह है पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दो हजार का बागडोर इनके हाथ में होगा रवि किशन दोस्त है मनोज तिवारी का रवि किशन कुछ दिन पहले बिल लेके जा रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और दो से अधिक बच्चे नहीं पैदा होना चाहिए तो अब रवि किशन जो है मनोज तिवारी से दोस्ती बढ़ जाएगी घटेगी क्या लगता है अरे इन लोगों का कोई करेक्टर है बीजेपी वाले का क्या कब क्या बोलेंगे कब क्या करेंगे कोई करेक्टर नहीं है ये जुमला की पार्टी है बीजेपी का मतलब है कि हिंदुस्तान में दूसरी आबादी को सिर्फ टॉर्चर करके दूसरी अभादी जो आबादी को भय दिखा करके हुकूमत करना लेकिन आवाम जान चुकी है लोग जान चुके हैं इनके सारे किरदार को देश के प्रधानमंत्री को जान चुके हैं किस तरीके से ये लोग ठगने का काम करते हैं बीजेपी के सारे किरदार को सारे लोग जान चुके हैं अगर जिसम का एक पार्ट खराब हो जाएगा तो जिसम वो काम नहीं कर सकता दो हाथ में एक, एक हाथ आपका अपाइज हो जाएगा आप काम नहीं कर सकते ये बात जानना होगा इस देश के प्रधानमंत्री को समझना होगा ये बात सिर्फ जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनको हमदर्दी है यहाँ के गरीबों से मजलूमों से अकलीतों से बेसहारों से कानून लाकर के कंट्रोल करना पड़ेगा आबादी या फिर जैसे कि आपके नेता बोलते हैं कि बच्चियों को पढ़ा दो खुद कंट्रोल करने बिहार के मुख्यमंत्री ये जो है नीतीश कुमार देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से लड़कियां साइकिल से स्कूल जा रही है यहाँ एजुकेशन है यहाँ तालीम है बिहार के मुख्यमंत्री सारे कॉलेज में एजुकेशन के सिस्टम को बता रहे हैं कि सही क्या होगा गलत क्या होगा इंसान की जिंदगी कैसे चलेगी कैसे कटेगी इन लोगों के तरीके से नहीं कि अपना किरदार कुछ है सारे लोगों के लिए इन लोगों के तीन तीन शादी दो दो शादी चार चार बच्चे कोई मतलब नहीं आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले देश के प्रधानमंत्री को और इस को लोग जान रहे हैं नहीं बनना चाहिए बिल्कुल नहीं कानून बिल्कुल नहीं बनेगा लोग जान रहे हैं कि हमको जीने का हक छीना जा रहा है जीने का अधिकार छीना जा रहा है कानून सिर्फ और लोगों के लिए नचनिया के लिए नहीं बजनिया के लिए नहीं का तो व्यवसाय है नाचना गाना ऐसे बोलिएगा तो किसी को दुख लग सकता नहीं 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 नहीं, 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 नहीं व्यवसाय एक अलग है वो एक अलग है इनका अलग करेक्टर है मनोज बोलिए ना व्यवसाय नाचने गाने का काम बहुत लोग करते हैं मनोज तिवारी नाचने का काम करते हैं गाने का काम करते है हाँ मोहन भागवत को खुश करने का काम करते हैं इनका ये पैसा नहीं तो मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है अगर इनको मोदी की से मतलब होता तो मोदी की बात को मानते इनके तीन बच्चे नहीं होते मुबारकबाद नहीं दीजिएगा किनको मुबारकबाद पढ़ने वाले अरे तो इनको तो हम कभी मुबारकबाद दे सकते हैं ये मनोज तिवारी बिहार के नाम को इन्होंने बदनाम कर दिया इंसानियत के नाम पर यह धब्बा है दाग है ांचल के नाम कहा से कहा जियो बिहार के लाला गाना गाते नहीं, नहीं 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 ये नचनिया बजनिया मनोज तिवारी को बिहार के लोग नहीं मान रहे हैं बिल्कुल नहीं है। इनका अपना दागदार हो चुका है हमारे साथ जदयू नेता और इनका साफ तौर पर कहना है की मनोज तिवारी जो है मोहन भागवत को खुश करने के लिए काम करते हैं इनको प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दो बच्चे ठीक है लेकिन मोहन भागवत कहते हैं एक दैनिक भास्कर की खबर है आपको खबर दिखला देंगे कि दो से अधिक बच्चा पैदा करो कोई कानून नहीं रोकता है आपको तो ये मोहन भागवत को खुश करने के लिए मनोज तिवारी ने तीसरे बच्चे को पैदा किया है आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से मनोज तिवारी बीजेपी के तमाम नेता ये कहते रहते हैं कि दो बच्चे अच्छे और खुद इनके तीन चार पांच छह बच्चे होते जा रहे हैं इन पर क्या कानून लगना चाहिए जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए फेसबुक देख रहे शेयर किया यूट्यूब देख रहे धन्यवाद